चुनाव की तारीख नजदीक आते देख अब सभी प्रत्याशियों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्रत्याशी अपने अपने इलाकों में पंचायत कर लोगों का समर्थन हासिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी भगत सिंह सिरोही ने बड़े गांव समयपुर में पंचायत कर गांव का पूर्ण समर्थन हासिल किया। वहीं हमारे K9 मीडिया की टीम ने भी समयपुर में हुई पंचायत को लेकर ग्रामीणों और प्रत्याशी से बातचीत की। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है, ऐसे में लगातार प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज समयपुर के अंदर भगत सिंह सिरोही द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत का आयोजन करने का एक खास पर्पज़ था कि कहते हैं जिसके साथ गांव होता है उसके साथ राम होता है, और जिसके साथ राम होता है उसकी हार नामुमकिन होती है। तो आज इसी पंचायत का एक पर्पज़ था और इस पंचायत में पूरे गांव ने भगत सिंह सिरोही को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। अब उसके बाद वार्ड नंबर 3 में लगातार भगत सिंह सिरोही अपने कदमों को मजबूत करने में निकल पड़े। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, पर सबसे पहले भगत सिंह सिरोही से बात करते हैं क्योंकि ये प्रत्याशी हैं और आज इन्होंने जो महापंचायत के इस महापंचायत में कैसा समर्थन मिला है। भगत सिंह जी, सबसे पहले K9 मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद K9 मीडिया का। सिरोही साहब, जिस तरीके से आज महापंचायत की बहुत अच्छा समर्थन गाँव की ओर से मिला है, अब अगला कदम क्या रहने वाला है? क्योंकि अब ये मानते हैं कि गांव का समर्थन तो मिल चुका है, इलाके के समर्थन के लिए किस तरीके से तैयारियां हैं? जैसा कि चुनावी बुगुल बज चुका है और सबसे पहले जिला पार्षद के लिए अपने गांव का समर्थन होना बहुत ज़रूरी था, उसी को आज हमने प्रारंभ करते हुए गांव समयपुर की एक बड़ी पंचायत बुलाई। सातों बरादरी के सम्मानित पंच उस पंचायत में उपस्थित हुए और सारे गाँव ने पूर्ण समर्थन करते हुए, तन मन धन से समर्थन देते हुए मेरे को प्रत्याशी के रूप में चुना है। और अब हमारा अगला कदम, हमारा दूसरा गांव करनेरा है, हम वहां पे एक पंचायत आयोजित करेंगे और गांव को समर्थन मांगेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिला परिषद में एक गांव नहीं बल्कि कई अनेकों गांव आते हैं, कितने गांव आपके वार्ड में लगते हैं और उस तमाम गांवों में क्या पंचायत के माध्यम से आप लोगों को एकत्रित करके एक साथ अपने साथ जोड़ेंगे या फिर डोर टू डोर जाकर के लोगों के साथ जो है अपना जो है वक्तव्य बढ़ाएंगे, कैंपेन करेंगे, किस तरीके से रहेगा? पहले हमारे वार्ड में 15 गाँव थे तो वार्डबंदी के कारण 3 गाँव हमारे जाजरू, नंगला जोगियान और शाहपुर खुर्द अलग हो गए। अब हमारे वार्ड में 12 गांव हैं और अब चुनावी जब बिगुल बजी चुका है तो हम गांव के पंचायत भी करेंगे और डोर टू डोर जाके लोगों का समर्थन लेंगे और उसके बाद अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। देखिए, सवाल ज़रूर रहता है मीडिया का और एक ही सवाल ज़रूर रहता है कि जनता आपको आखिर क्यों चुने? आप में ऐसी क्या खूबी है, क्या खासियत है कि जनता आपको 12 गांव आपको अपना जिला परिषद चुने? और भी तो लोग खड़े हुए हैं, क्या उनमें वो खासियत नहीं, आप में ऐसी क्या खासियत है? देखो, ये तो जनता जनार्दन है, जिस भाई में खासियत होगी चुना तो वही जाएगा। लेकिन अभी पीछे कोरोना काल आया था, वोट तो सब मांगने आ रहे हैं और जाएंगे भी लोग, वाक जो कैंडिडेट है वो वोट तो मांगने का अधिकार है। लेकिन कोविड काल में जब सारा देश लॉकडाउन था, एक मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, भगत सिंह ऐसा कैंडिडेट था, कैंडिडेट तो खैर मैं अभी हुआ हूँ, एक ऐसा शख्स था जिसने लॉकडाउन के अंदर हर एक गांव में, हर एक घर में, अपने वार्ड के 12 गांव के हर एक घर में सैनिटाइज कराया था, जो इतनी बड़ी महामारी में भी हम सब के बीच रहे। तो उम्मीद करते हैं कि जनता हमारा समर्थन करेगी और हमें जीत सुनिश्चित करेगी। देखिए, कोरोना काल में जब सब लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए थे तो तब भगत सिंह सिरोही जनता के लिए काम कर रहे थे, उनके लिए खाना पहुंचा रहे थे, सैनिटाइजर कर रहे थे। अब गांव के लोगों से बात कर लेते हैं। बाबा, समर्थन दे रहे हैं क्या भगत सिंह सिरोही को? हाँ जी, समर्थन दे रहे हैं। किस बिना पर दे रहे हैं, क्या खासियत है इनमें? अच्छा काम करते हैं जी, पहले भी रहे, अच्छा बढ़िया काम किया। आप किस बिना पर देते हैं समर्थन? बढ़िया इंसान हैं जी और बढ़िया काम करने वाले, अच्छी छवि वाले हैं। गांव के साथ साथ क्या अन्य इलाकों में भी जाकर के इनके साथ वोट मांगेंगे? हाँ बिल्कुल मांगेंगे, जहाँ तक हमारा सहयोग होगा हम उनके साथ रहेंगे। आपका भी ऐसा सहयोग रहेगा? हाँ जी, ये सहयोग रहेगा, बढ़िया काम करते हैं, रात और दिन हो तैयार रहते हैं। और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आखिर भगत सिंह सिरोही को क्यों चुनना चाहते हैं सब लोग?
सर, एक पहली बात तो ये है कि नए युवा हैं, जागरूक हैं, और उन सब बातों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए सभी का सहयोग देंगे भी और हमारी बात रखेंगे भी। बुज़ुर्ग हैं आप, आशीर्वाद ज़रूरी होता है बुज़ुर्गों का, और बुज़ुर्गों का जिसको आशीर्वाद हो उसका बेड़ा पार है। कैसा समर्थन रहेगा आपका? बहुत बढ़िया रहेगा जी इसका समर्थन, और ये सबके लिए आधी रात भी तैयार होता, सबकी सेवा करता है, इलाके में भी जाकर के वोट, इलाके में भी जाकर सेवा करता है। नहीं, आप जाकर के वोट मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे जी, वोट मांगेंगे, वोट मांगेंगे। चलिए, और भी बुज़ुर्ग बैठे हैं, सरदारी बैठी हुई है, और पूर्व सरपंच, यानी अभी तो फिलहाल सरपंच ही हैं, बाकी बात करेंगे। नाम क्या है जी आपका? भोलू सरपंच जी। भोलू जी, अच्छा, एक सरपंच हैं आप भी, क्या है खासियत है, क्यों आखिर चुनना चाहते हैं? हम इसको चाहिए, हमारे गांव के अंदर होनहार लड़का है, सब काम में हर मदद करता है, दुख सुख में काम आता है, हर आदमी को बीमार को लेकर भागता है, सिर्फ डॉक्टर को यहाँ बुलाता काम, इंजेक्शन वगैरह। जिला पार्षद बनने के बाद नहीं जाएंगे एक बार भी? हमेशा जाते हैं जी, जाते रहे, जिला पार्षद ना होते भी गए। अच्छा, और बन गए तो फिर क्या कुर्सी थोड़ी छूटेगी उनसे? कुर्सी छूटेगी क्यों जी? कुर्सी तो दे रहे हैं हम सब मिलके, सारे गांव ने सब टोटल सहयोग किया जी। अच्छा बाबा, कुर्सी मिलने के बाद कहते हैं रंग रूप बदल जाते हैं, आदमी आदमी बदल जाते हैं, क्या विश्वास है कि भगत सिंह सरोही को कुर्सी मिल गई तो नहीं बदलेगी? नहीं, हमें विश्वास है, अरे हम, हमारा बच्चा, हम इसको वोट देंगे, वोट देंगे। और इलाके को कैसे करेंगे? इलाके को गैल चलेंगे। अच्छा, इलाके से भी दिलवाओगे? हाँ। चलिए बाबा, क्या कहेंगे भगत सिंह सरोही के बारे में? आज पंचायत हुई है, समर्थन दिया पूर्ण गांव में, क्या झूठे को बुलाई गई थी ये गांव की पंचायत, या फिर वाकई में समर्थन मिला है? वाकई में समर्थन मिला है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और उसे भी दिलाएंगे। सरपंच साहब, आप तो गांव में सरपंच भी रहे हैं, क्या गांव का पूर्ण समर्थन है भगत सिंह सरोही को? नहीं, पूर्ण समर्थन है भगत सिंह सरोही को, और अब भगत सिंह पहले से ही काम करता रहा है, एक बार प्रत्याशी रह चुका है, और इन्होंने अब 12 पहले तो 15 गांव थे, बाकी अब 12 हो गए, तो उनमें अब आते जाते हैं, तो गांव का तो समर्थन है ही है, बाकी बाहर से भी ठीक रहेगा, सीट निकाल के लाएगा, सीट निकाल के लाएगा, बाहर भी मांगेंगे वोट? बिल्कुल मांगेंगे जी, भाई के साथ जाएंगे। आप भी जाएंगे जी? देखो जी, बिल्कुल वोट मांगेंगे, वोट सपोर्ट दोनों करेंगे, और पहले भी समर्थन रहा है भाई के लिए, और अभी जनता के बीच में क्या कहोगे, किस बिना पर वोट मांगोगे? जनता के बीच में हम ये कहेंगे, पिछली योजना भी जो भाई भगत सिंह सरोही अपना जो है पार्षद रहे हैं, पहले 15 गांव थे, अब 12 गांव हैं, पहले भी हर आदमी और हर गांव से ये जुड़े रहे हैं लगातार, और जो भी इनसे विकास हो पाया है वो पूरा किया है इन्होंने, हर आदमी समर्थन देंगे बाबा? हाँ जी, समर्थन देंगे, समर्थन के रहे और भगत के ही रहेंगे। आपका भी? हाँ जी। चलिए, बुजुर्गों का तो समर्थन मिल गया, पर जिसके साथ युवा टीम होती है जीत उसकी होती है। युवा, आप बताओ, सबका समर्थन है? हाँ जी, बिल्कुल, भाई के साथ ही है सबका, सब लोग साथ, बिल्कुल भाई के साथ ही, सबका विकास। चलो देखिए, सबका साथ सबका विकास कहते हैं, नैनपाल रावत जीतता नहीं अगर उसके साथ युवाओं का समर्थन और बुजुर्गों का समर्थन नहीं होता, तो ऐसा ही युवाओं का और बुजुर्गों का जो समर्थन है वो भगत सिंह सरोही को मिल रहा है, परंतु इतने कच्चे पाम ना समझे जनाब, क्योंकि क्षेत्र के अंदर और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने के लिए तमाम दावे रखेंगे, तमाम उन्हें सपने दिखाएंगे कि हम उनके लिए ये करेंगे, हम उनके लिए ये करेंगे, परंतु जनता जानती है सब, जनता को पता है कि आने वाले चुनावों में किसको अपना मत देना है, कौन उनके साथ खड़ा है, भीड़ दबाव की बात करें या तमाम चीज़ों की बात करें, हालाँकि बरसाती मेढक तो बहुत निकलते हैं, परंतु असलियत में वही व्यक्ति है, वही कैंडिडेट है जो कि समय पर जनता के काम आए। अब देखना ये होगा कि चुनावी रण में आखिर किसका घोड़ा तेज निकलता है। फिलहाल K9 मीडिया के लिए मैं फरीदाबाद से मुकेश राजपूत, नमस्कार।